आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर में कितने नंबर टर्बो लगेगी, कितने नंबर टर्बो ज्यादा पिकअप देती है और कितने नंबर टर्बो ज्यादा पावर देती है, ज्यादा आरपीएम तक पावर देती है। टर्बो के नंबर के बारे में सब कुछ ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको बहुत सारी ऐसी गलतफहमी है, ऐसे भ्रम है टर्बो के नंबर के बारे में, जो कि आपके इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो टर्बो को समझने के लिए कि कितने नंबर टर्बो लगेगी और जितने भी सवाल मैंने बताया उन सब सवालों को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टर्बो के नंबर को समझे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ टर्बो आपको ऐसी देखने मिलेगी जिस पे आपको कोई नंबर लिखा ही नहीं होगा कहीं पे भी, और ऐसी जो टर्बो है इन टर्बो को हम लोकल टर्बो कहेंगे। ये कहेंगे कि ये देसी टर्बो है, ये किसी लोकल ने ऐसे ही बनाई है आपके आसपास वाले ने, और ये कोई सर्टिफाइड कंपनी नहीं है, ना ही इनका कोई भरोसा है, ये चाइना के आइटम की तरह है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो इन टर्बो पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि जो ओरिजिनल टर्बो है, गैरेट की है, प्रिसीजन की है, तो वो जो ओरिजिनल टर्बो है उनको, उनपे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर क्या होता है, उन सब नंबरों को क्या मतलब होते हैं और कैसे टर्बो के साइज को हम जान सकते हैं, अब बात करते हैं उस बारे में। तो टर्बो के ऊपर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये एक नंबर लिखा हुआ है, 8-10 अंकों का ये नंबर है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक नंबर प्लेट आपको दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। इस नंबर प्लेट पे आपको कुछ नंबर लिखे होंगे। इसके साथ ही आपको और भी आपको यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपको इधर देखिए, इधर आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये सब नंबर, ये नंबर लिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे। तो फिर ये सब नंबर जो लिखे रहते हैं, इन सब नंबर का क्या मतलब होता है और कैसे टर्बो का साइज का नंबर क्या होता है, कहां पे टर्बो का साइज लिखा होता है, वो सब जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नेम प्लेट होती है आपकी, इस वाली प्लेट पे जो आपके नंबर होते हैं, क्या वहां पे साइज लिखा होता है, वहां पे कौन से नंबर लिखे होते हैं? तो देखिए, ये जो नंबर प्लेट है इस पे आपकी, इस टर्बो का एक सीरियल नंबर रहता है जो कि कंपनी बनाती है। सीरियल नंबर कह लीजिए कि मान लो कंपनी दिन में 10 टर्बो बनाती है, तो मान लीजिए कि टर्बो का सीरियल नंबर चल रहा है 1000, तो 1001, 1002, 1010 तक ऐसे एक सीरियल नंबर देती है टर्बो कंपनी हर एक टर्बो को। दूसरी चीज है कि उस पे टर्बो का पार्ट नंबर रहेगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो टर्बो भी बना रही है, पंप भी बना रही है, तो उसने एक टर्बो के लिए एक पार्ट नंबर निश्चित किया है कि मान लीजिए कि टर्बो के लिए उसने 501 पार्ट नंबर किया है, तो 501 जैसे ही देखेगी तो वो समझ जाएगी कि वो टर्बो है। मान लीजिए कि 201 उसने पंप के लिए दिया है, तो इस तरह से एक पार्ट नंबर इस पे आपको देखने को मिलेगा, एक सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। और कई कंपनी ऐसे करती है कि जिस पे जो नंबर ये लिखा होता है यहाँ पे, वो आपका जो इसके अंदर जो आपका कंप्रेसर होता है और इधर आपकी टर्बाइन होती है, तो कंप्रेसर और टर्बाइन कितना बड़ा है, उसका जो साइज है बाहर का जो उसको हम बोलेंगे, जो बड़ी वाली चीज है कंप्रेसर का, जो बाहर का जो साइज होता है, एक्सट्रूडर बोलते हैं उसको, तो उसका जो साइज होता है मान लीजिए कि 60 mm है या 65 mm है या जो भी है, और छोटा वह जो होता है, एक छोटी चीज होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही छोटा पार्ट होता है और यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए इधर छोटे जो ये इम्पेलर है इसका साइज जो है 30 है और इसका जो है 40 है, तो 30-40 करके एक नंबर बन गया। इधर का मान लीजिए कि 20 है और 25 है, तो 20-25-30-40 ऐसे करके भी ये नंबर जो रहते हैं, कई बार कोई कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो इनके साइज के हिसाब से ऐसे नंबर इस पे इंग्रेव करके रखती है, ताकि पता चले कस्टमर को, ये इसकी एक विशेषता हो जाती है कि इसका जो कंप्रेसर और टर्बाइन का साइज ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम बात करेंगे साइज के बारे में, जो जनरली सुनने में आता है कि 25 नंबर टर्बो है, 65 नंबर टर्बो है, 91 नंबर टर्बो है, इस तरह के जो साइज होते हैं जो आप आम धारणा में सुनते आ रहे हैं आज तक, कि इस तरह के साइज के टर्बो लगा लो, 25 नंबर लगा लो, वो क्या नंबर होता है, फिर वो कहां से आई वो चीज, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो कौन टर्बो कितनी बड़ी होगी, ये चीज निश्चित करता है ए आर रेशो। मैं इस टर्म का बार बार यूज करूंगा, ए ओब्लिक आर रेशो। ये ए ओब्लिक आर रेशो ही डिसाइड करता है कि कोई टर्बो कितनी बड़ी है। टर्बो ऐसी है जिन पे आपको यहाँ पे वो ए आर रेशो आपको देखने को मिलेगा, इधर जहां से कि ये एंट्री होती है, और कुछ टर्बाइन में आपको यहाँ पे अंदर की साइड में देखना है, जो मेरे हाथ में है उसमें आप देख सकते हैं कि अंदर की साइड में मैं आपको दिखाऊंगा
कि यहां पे एक संख्या आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 3/10। जैसे कि मैंने बताया AR रेशो भाग में होता है, कोई कोई कंपनी उसको जैसे 3/10 है तो कितना हो गया 0.3 हो गया, 0.3, कोई कंपनी उसको क्लियर लिख देगी 0.3, कोई कंपनी उसको अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, जैसे कि 3/10 लिख दिया, 2/10 लिख दिया। तो AR नंबर होता है एरिया ओब्लिक रेडियस का भाग, वो होता है AR रेशो। कहां का एरिया है, कौन सी रेडियस है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके क्या मायने हैं, इसके मायने ये है कि जिस टर्बो का AR रेशो ज्यादा होगा उसका ये मतलब है कि वो टर्बो ज्यादा हवा को, ज्यादा जो यहां से गैस आएगी, धुआं आएगी, उसको ज्यादा अंदर खींच के और ज्यादा इधर से उसको घुमा सकती है। मतलब ये है कि ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। तो AR रेशो के मायने आप समझ गए। अब मैं बता देता हूं कि AR रेशो कंपनी निकालती कैसी है। तो इस पेपर की सहायता से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ये इधर से आपके टर्बाइन का जो बड़ा हिस्सा है वो यहां से है और आगे अंदर जाता है तो ये छोटा होता रहता है। तो एक पॉइंट आता है कि जबकि ये ब्लेड पे पड़ने से पहले इस पॉइंट का जो एरिया है, इस जो चीज का यहां पे जो एरिया है उसको कहते हैं हम ए, यहां के जो एरिया का क्षेत्रफल है वो लेते हैं ए। अब ये आपका सेंटर है, आपकी टर्बाइन का जो व्हील है घूमता है, इस सेंटर से लेके और ये जो एरिया का बिल्कुल बीच वाली लाइन है, इस बीच के और इसके सेंटर से लेके ये जो दूरी है इसको हम लेते हैं आर रेडियस। इस एरिया को हम इस रेडियस से इससे भाग देते हैं, तब जाके कहीं हमें मिलता है AR रेशो। और इसका मतलब ये होता है कि जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना ज्यादा ही आपकी जो टर्बो है वो ज्यादा मास ऑफ एयर फ्लो को अंदर भेज पाएगी, क्योंकि यहां से तो आपके जाएगी लेकिन आगे जाके जितना वो छोटा हो जाएगा उतना ही वो रेस्ट्रिक्ट करेगी। लेकिन ये भी एक बात समझने वाली है कि जिसका AR रेशो छोटा होता है वो वहां पे, अब आप देखिए यहां पे जितना ये बारीक होगा उतना ज्यादा प्रेशर से एयर जाएगी अंदर। आप इधर से बारीक कर दिया यहां से तो इतना ज्यादा प्रेशर से जाएगी तो उतना ज्यादा आपकी टर्बो ज्यादा पिकअप देगी आपको कम आरपीएम पे, मान लीजिए कि 1300 पे या 1400 पे या 1500 पे। और जितना ज्यादा ये बड़ा एरिया हम रखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी टर्बो क्या है, लेट से पिकअप देना शुरू करेगी। अब मान लीजिए यहां पे भी ये सेम है, यहां पे भी ये सेम है, तो फिर आपकी टर्बो बहुत ज्यादा आरपीएम पे जाके पावर देना शुरू करेगी। AR रेशो के बारे में और दो तीन चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। AR रेशो जो है वो आपका 0.1 इससे शुरू होके और आपका 1 तक जाता है। इसी में आपका राज छिपा है कि ये साइज कहां से आया, कि 25 नंबर साइज है, 60 नंबर साइज है, ये साइज आपका धीरे धीरे इसी से प्रचलन में आया है। कि मान लीजिए किसी टर्बो का AR रेशो 0.25 है तो इसका मतलब ये हुआ लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जैसे वो 25 हो गया तो उसको 25 नंबर टर्बो मानने लगे हैं। अब यही एक कारण भी है कि टर्बो का जो नंबर है वो आपको 100 से ज्यादा नहीं मिलता, 25, 26, 91, 92, 95 तक हद हो जाती है ज्यादा, तो फिर 1 आ जाता है, 1 मतलब 100, उससे ऊपर तो जैसे मैंने आपको बताया कि AR रेशो 1 से ज्यादा नहीं रखते हैं, तो उसका ये कारण है। तो उम्मीद करता हूं कि AR रेशो के बारे में, टर्बो के नंबर के बारे में ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।